जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा का चुनाव 5 अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड है, और आप लोगों को यह भी पता है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार पूरी ताकत से चुनाव हरियाणा में लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और चंगुल से बाहर आ गए और अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी का जो शेड्यूल है, कैंपेन का जो शेड्यूल है, उसका शुभारंभ हम कल से यानी कि 20 सितंबर से कर रहे हैं। 20 सितंबर को पहला रोड शो है जगाधरी विधानसभा से, उसके बाद दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा, इन सारी विधानसभाओं को कवर करेंगे। लगभग 13 इवेंट्स का शेड्यूल अभी बनाया है, 11 जिलों को कवर करेंगे। इसके बाद का शेड्यूल आने वाले कुछ दिनों में आपसे शेयर करेंगे। मोटा मोटी अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखेंगे तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से हरियाणा से साफ होने वाली है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और बाकी जनता को और बाकी लोगों को तो छोड़ दो, भाजपा स्वयं को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था, इसीलिए खट्टर साहब को इन्होंने रिप्लेस करके नया मुख्यमंत्री लेकर आए। प्रश्न तो बनता है कि नया मुख्यमंत्री आखिरी साल में लाने की क्या जरूरत थी। जिस तरीके से इन्होंने किसानों का अपमान किया, अन्याय किया, जवानों के साथ अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया, हमारी माताओं और बहनों के साथ उनके मान सम्मान से खिलवाड़ किया, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, चारों तरफ कुशासन और अव्यवस्था अव्यवस्था है, तो भाजपा को तो खुद ही भान है कि वो इस बार जाने वाले हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जा रही है, जनता बदलाव लेकर आ रही है, तो फिर इस बदलाव में कौन सी पार्टी को मौका मिलेगा? हरियाणा ने पहले 5 साल एक पार्टी को मौका दिया, फिर 10 साल दूसरी पार्टी को मौका दिया, और फिर 10 साल अभी एक और तीसरी पार्टी को मौका दिया है। सारी पार्टियों को हरियाणा ने मौका दिया, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है हरियाणा में जो ये कहेगी कि भाई साहब मेरे को मौका नहीं दिया। कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। हरियाणा की जनता ने बड़े दयालुता से सबको मौका दिया। प्रश्न यह है कि क्या इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या इन्होंने जनता की वो सेवा करी जो जनता चाहती थी? इसका उत्तर बड़े सीधे और सरल शब्दों में यह है कि नहीं, जनता सभी पार्टियों से त्रस्त है, जनता बदलाव चाह रही है। इस बार पहली बार उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी लेकर वहां हरियाणा में उतरे हैं, तो एक बदलाव के लिए एक नया और एक अच्छा ऑप्शन पूरी हरियाणा की जनता के सामने है। हरियाणा की जनता ने पंजाब के काम को देखा है, दिल्ली की सरकार को देखा है, सारा कुछ देखकर जनता इस बार बदलाव के लिए जाएगी, और अरविंद केजरीवाल जी की नई राजनीति, ईमानदार राजनीति और आम आदमी पार्टी को देकर वोट करेगी।